नुसरत जावेद साहब, अटॉर्नी जनरल ने एक महीना मांगा है तो एक महीना बनता है 18-19 अगले महीने की, तो 18-19 तक तो ये गवर्नमेंट बहरहाल चली जाएगी। तो भैया ये बात तो उनको सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था कि मियां आप एक महीने बाद भी जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी वो आपको रिटेन करेगी एज अटॉर्नी जनरल या नहीं। जब उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया तो मैं और आप बेचारे क्यों अपने कमजोर को जहन को बिल्कुल आप तो खामखा की अपनी और मेरी मुश्किलात में इजाफा कर रही हैं। अच्छा ठीक है बिल्कुल। अच्छा ये मुश्किलात में इजाफा करने मुनीब फारूक ने भी हमें ज्वाइन किया है। मुनीब मुबारक को, आपने अपना एक नया शो शुरू किया है समा टीवी में, बड़े जोरों शोर से आप कर रहे हैं शो, जरा हमें भी कुछ बताइएगा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी केस कोई नहीं होगा आर्मी एक्ट के तहत जब तक हमसे इजाजत नहीं ली जाएगी। बहुत शुक्रिया जी और माजरत चाहता हूँ थोड़ा सा देर हो गई। देखिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कहा गया है अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी, ठीक है वो डॉक्यूमेंट जरूर हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक हदायत जरूर जारी कर दी है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत से लोगों के से मिलने के बाद वो तो यही है कि अगर इस अब भी चले क्योंकि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए वो हो गई, उन्होंने एडजर्न कर दिया मामला, ये जरूर मामला आ चुका है और कह दिया उन्होंने, लेकिन जो सेंस हमें मिलती है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे जो मर्जी आए लेकिन अगर सोच लिया गया है कि मिलिट्री ट्रायल होना है कुछ लोगों का मिलिट्री कोर्ट्स के तहत तो वो फिर होगा, उसमें गुंजाइश नहीं होगी कि किसी और से कोई डिक्टेशन ली जाए या किसी और की बात मानी जाए। ऑल्दो ये बात बड़ी ड्रास्टिक है क्योंकि हम बहरहाल एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं, हमारे मुल्क में एक मरवजा आइन मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और अगर वहां से कोई हुक्म जारी हो जाता है तो तमाम इदारे बशमूल हुकूमत उस पर अमलदारी के पाबंद हैं। लेकिन जो सेंटिमेंट हमें मिल रहा है वो ये है कि इस मामले के अंदर अगर किसी ने रखना डाला तो उसको डिसरिगार्ड किया जाएगा और उससे कोई चीज रुकेगी नहीं। और जो बात 9 मई के वाकयात के हवाले से है, जिस जेआईटी का आपने इब्तदाई में जिक्र किया कि उसके टीजर्स आ रहे हैं, ये टीजर्स तो जारी बात है अब उसकी क्योंकि फाइनल शक्ल कुछ सामने निकल रही होगी तब आ रही होगी, ये सेंस तो हम सबको पहले ही पता थी कि ये काम होना है और जिस तरह से बाद में जैसे FIR दर्ज हुई उसके बाद इमरान खान साहब का नामजदगी हुई उन केसेस के अंदर जो कि कानूनी प्रोसेस है हो भी सकती है, तो उससे अंदाजा ये होता है कि ये फैसला तो हो चुका है कि इमरान खान की गिरफ्तारी तो चले किस स्टेज पे करते हैं लेकिन उनकी उनका ट्रायल या उनको कम से कम इम्प्लिकेट किया जाएगा इस 9 मई के वाकये के अंदर इवन इनडायरेक्टली, बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट को या रियासत को कुछ ना कुछ एविडेंस सामने लाना पड़ेगा और इमरान खान को मेरे ख्याल में ये माहौल मौजूद है कि उनको मिलिट्री एक्ट के तहत ही उनका मुकदमा आगे चलेगा, इंसदादे दहशतगर्दी के कानून के ऊपर वहां तक इसको नहीं रखा जाएगा और क्योंकि फौजी तंसीबात का मामला है तो फिर इसको वहां पर ले जाया जाएगा और ऑलरेडी प्रेसिडेंट मौजूद भी है, जो लोग पहले आइडेंटिफाई हुए उनका किया गया है, लेकिन एविडेंस क्या है ये सवाल मैं भी आज तक करता हूं और बहुत से जो हमारे दोस्त हैं जिनसे हमारी मुलाकात होती है खलवत में जलवत में उनसे भी हम ये पूछते हैं कि जरा ये फरमा दीजिए कि जिस सोफिस्टिकेटेड एविडेंस की बात राणा सनाउल्ला करते हैं बहसियत इंटीरियर मिनिस्टर वो कहाँ है, अगर है तो वो किस टाइप का है, किस शक्ल में है और वो उसकी कितनी शिफ्टिंग हो चुकी है, किस फाइनल शक्ल में वो पेश किया जाएगा, क्या वो डिस्प्ले पे लाया जाएगा या उसको सीगा राज में ही रखा जाएगा, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज अदालत ये उठाए गए कि आप जो एविडेंस है वो उसको किस तरह से एवेल्युएट करते हैं, रीजनिंग क्या दी जाती है फैसलों के अंदर नहीं दी जाती, क्योंकि हमारे सामने जो अंडरस्टैंडिंग है मिलिट्री कोर्ट्स की या मिलिट्री ट्रायल्स की वो ये होकर वो समरली डील किए जाते हैं, समरी ट्रायल्स होते हैं और उनमें कोई इतनी डेप्थ नहीं होती। सो क्या ये अब हो पाएगा ये नहीं, आई कैन सेफली से दैट हिस्ट्री इज इन द मेकिंग बट एज वी स्पीक नाउ इस वक्त मुझे नहीं लगता कि कोई रिप्रीव या कोई गुंजाइश है इमरान खान के लिए बहसियत फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के, उनको थोड़ी रियायत मिल जाएगी 9 मई के वाकयात के। जी जो आपने कहा आज सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बेंच ने उठाया सवाल कि अपील का राइट होगा, ओपन ट्रायल होनी चाहिए, ये सब चीजें उठाई तो गई, मालिक ये जो खान फैक्टर है पीटीआई के चेयरमैन का, आप भी इसी तरीके से देख रहे हैं जैसे मुनीब देख रहे हैं कि ये अब उनके लिए तो किसी हद तक मामला तय हैं कि उनकी ट्रायल भी होगी अंडर आर्मी एक्ट?
मेरी जो इंसाफ जो क्या आ रही है वो तो कॉन्ट्ररी है। ये काफी ज्यादा बहस हुई है जहाँ पे ये रेलेवेंट मामला है और मुझे तो खासतौर ये मिला है कि इम्प्रेशन ये क्रिएट किया जा रहा है कि पूरा जोर है और ये डिसाइडेड मैटर है ये मिलिट्री कोर्ट में जाएगा, लेकिन जो वहां पे वाइट जब आ रही है वो तो कॉन्ट्ररी आ रही है कि एट द लास्ट मोमेंट ये शायद टेररिस्ट कोर्ट में लेके जाए एटीसी में, बट दे विल इंश्योर कि 30 दिन के अंदर फैसला हो। पर आप ये फैसला उधर होना है ना मैंने करना ना आपने ना मुनीब ने, लेकिन मेरा अपना जाति भी तासर ये था कि मिलिट्री कोर्ट की, लेकिन जो ड्रा आ रही है इंफॉर्मेशन इज टू द कॉन्ट्ररी। लेकिन एक चीज आप जरूर नोट कीजिए, आई थिंक मुनीब बाहर हमने तो ही कैन प्रॉपर्ली एलाबरेट मोर, दो तीन चीजों में गिव एंड टेक चल रहा है। जब विधायक नकवी साहब ने कल कहा कि देखिए वो तो फैसला लिखती है मिलिट्री कोर्ट गिल्टी और नॉट गिल्टी तो तफसील नहीं देती, तो अटॉर्नी जनरल ने फॉरन कहा कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगी तो पूरी रीजनिंग के साथ भी फैसले लिखे जाएंगे। तो वो जो मेन छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स अभी तक रेज किए हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने वो टेक्निकल है, जिनके टेक्निकल वो उनको अश्योरेंसेस दे रहे हैं अटॉर्नी जनरल। चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी कहा है कि मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, दो दिन पहले की ऑब्जर्वेशन थी तो ये उसका हो सकता है, मगर विदअप बट वो बात करते हैं। बट में अभी तक जो हमें नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप इस ट्रायल को फेयर और ट्रांसपेरेंट कैसे बनाएंगे और उनके बेसिक राइट्स आप क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि एक सवाल उठा हियरिंग में कि देखिए जिन लोगों में मेरा ख्याल है शायद जस्टिस मुनीब अख्तर ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये कॉमेंट दिया कि मिलिट्री एक्ट उन लोगों के लिए स्पेशल कादर के लिए बना था जिनके बेसिक राइट्स उसमें नहीं गारंटीड हुए थे, यानी कि आर्मी के लोग दूसरे, तो अगर सिविलियंस को लाएंगे तो वो आप कैसे गारंटी करेंगे। उन तमाम चीजों पे शिक बाय शिक अटॉर्नी जनरल को जवाब दे रहे हैं कि जजेस सुनना चाहते हैं या जजेस को मूविंग रूम दे रहे हैं, तो मेरा नहीं लगता कि स्टैंड ऑफ हो रहा है कोर्ट और इनके दरमियान में। जैसे मैंने शुरू में कहा है कि निकट मुझे डेवलप होता नजर आ रहा है या शरायत कुछ होगी और आप बॉक्सेस टिक करते रहे और सिविलियंस को ले जाए, तो आई थिंक हम आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, जो अटॉर्नी जनरल के आज कमेंट्स थे बहुत हद तक के जी इसमें कोई केसेस वैसे नहीं हैं जिनको फांसी हो या जिनको उम्र कैद हो, जिसपे उनसे पूछा गया बेंच की तरफ से, तो इसका मतलब कि आप कह रहे हैं किसी पर नहीं वो लागू होगा। तो उन्होंने कहा जी एज वी स्पीक ये मामला है और 90 दिनों से ज़्यादा अगर किसी को सज़ा मिलेगी तो अपील का राइट, तो योर राइट के अटॉर्नी जनरल हुज ऑब्वियसली रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रही है फौज को, तो वो जो मामलात हैं लग रहा है कि देर इज सम फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन बाहर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जो मामलात हैं उस पर बात करेंगे, इलेक्शंस क्या टाइम पे होंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट का क्या सिलसिला है।